लोग सब बोलने वाले आप बोलो, मेरे को अगर कुछ पूछने का आप लोग में कोई बच्चे लोग को कोई क्वेश्चन पूछने का तो पूछना। बोल बेटा बोल, बोल वहीं से बोल बोल बोल। जैसे बीच में आया था जो जो रोड बनाते हैं उसका नाम पे रोड बना देने का। मैं अगर बनाया आज का रोड समझ, मैंने बैंड्रा का रोड बनाया तो मेरा नाम रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। बोलो ना, यू वॉन्ट समवन टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, कि भाई ऐसे खड्डे के अंदर स्कूटर का एक्सीडेंट बहुत होता है, मेरा भी हुआ था, मेरे दो दांत टूट गए थे। रोड सर अनिल देगा, मिलेगा बिल्डू, इतना मिल रहा है मिल रहा है, मगर ये पॉइंट याद रखना जो एक बच्चे ने आज बोला है कि भाई पॉटहोल का मैं क्या करूं, आराम से चलाओ पहले तो ठीक के चलाओ, अगर है तो उठाओ वहां से मिट्टी और भरो, उधर रुक जाओ, उधर लाइन लगा, उधर रख देना अपना हेलमेट, रख देना जोड़ा, और बेटा माटी उठाना, अगर मिली वहाँ पे माटी नहीं मिली तो उसको मार्क कर, उसको फोटो मार और भेजना, अपना सेल है ना ट्यूब का और पुलिस का सेल, बोलना दादा यहाँ साइड में जरा डेंजर माला वाटते हैं, रात्रि मानसा आला की टेंशन पड़ा, सांगायचं कुठे काय दिसतं ते बोलायचं, कोणाला ब्लेम नाही करायचं, अपना हा जगन्नाथ। बोल बोल स्वतः करायचं, मला कसं बसवलं होतं एक त्या दिवसात अशी मी बसलो होते मी। आपण अकेलाचे डार्लिंग याद रखना, जो आपले दिल में आता है तेरे लगते जैसे खड्डा भरने का, तो खड्डा भर, वेट मत कर, है ना, वैसे तेरे को ट्रैफिक दोनों तरफ रोड दिख गया और जाने को जगह नहीं, पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई है, बेटा कंप्लेन कर, पापा लोग है ना, तेरे को क्या लगता है कि यूनिफॉर्म में क्या दाम नहीं गिरे, बता भैया खाली बोलने वाला होना चाहिए, 10,000 कामाए पाड़, तुला दिसलं की तू सांग करना ते करणार, और कितना पूछेगा। जोराने बोल, शाबाश, लाव असं नाही, मी काय जोक नाही मारतो, असं मला बाहेर आलं काय, पण बाळ झेब्रा क्रॉसिंग नाही दिसलं तुला, तुला दिसतं नाही इतकं पण नाही दिसलं, संपूर्ण संपूर्ण झालं, फोन करून सांगायचं झेब्रा क्रॉसिंग केलाय का दादा, आणि आम्हाला फाईन करते, आम्हाला माहित नाही पडते कुठे थांबायचं, पण ते तू बोललं ते माहित पडणार ना, पण मला नाही, मला असं दिसलं की माझी शब्द बोलणार मी, अपने को लोकांनी त्या सिग्नल से थोडा पहिले हे समजले नाही की बच्चे किसको क्रॉस करणे काय, आपला आई बाबा भी लोक जाते ना, बच्चे लोक जाते स्कूल से, ते दिसतायत ना त्याच्यावर लाईन, झेब्रा क्रॉसिंग दिसणार नाही म्हणजे आम्ही अंध आहे, आम्हाला नाही दिसलं नाही इथं होता तर कुठे माहित नाही, पण तुझं बरोबर आहे, असं दिसलं की फोटो पण आणि पेंट करते, मी तो पण माझ्या पेंट करते रे सर, आहे नाम आहे ना, हां जॅकी श्रॉफ जी मेल पाठव, सब लोग अपना अपना सोचते हैं, सोचो मेरे को बुलाया तो मेरे को जितना मालूम है वही बोलता है।
बाकी आप लोग के ऊपर है आगे लेके जाने का बेटा। एक निकल रहा था बाजू में से अपना कांच लेके जा रहा था स्कूटर करके, बोला जरा संभालना नाजुक है, बोला उसका खोपड़ी वो हेलमेट जो उसका खोपड़ी उससे नाजुक है, तुम लोग का दिल उससे ज्यादा नाजुक है, फूट गया तो बोलो ना कांच का तो वापिस से लेके आएंगे, समझा ना भैया, ताली मार के कान से मत निकाल देना बेटा, बिना ताली मारे कान के बीच में गड्ढा है उधर बीच में जाकर रख देना दिमाग में हिंदू वगैरह तो। मैं तेरे को आवाज सुनाता हूँ तालीम जो मैंने आज सुना, हाँ मेरा भेजा खराब हो गया, मैं बोलता हूँ तुम लोग बच्चे लोग तुम्हारे हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग तो निकल चुके हैं अभी बोल रहे हैं, इसलिए बुलाया तो बोल रहा हूँ। मुंबई मुंबई अपना समझ गया ना, ये तो मैं छोटा सुन रहा हूँ, मेरे पास एक दो घंटे का दिमाग खराब हो जाएगा, उसका सोचो जो हमारा ट्रैफिक संभाल रहा है वो ये सुनता है, उसको अब 10 चीज बोलता है, लोग कायदा बोलता है, वो खड़ा है धूप के अंदर ट्रैफिक का कंट्रोल चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस अपना, और ये इससे अभी क्या बोलेंगे, बड़े लोग का मतलब बड़ा शान पत्ती और 50-50 लाख का गाड़ी और उसके अंदर तुम लोग 5-6 हज़ार का बच्चे लोग को ड्राइवर, उन लोग को समझाना चाहिए कि भाई रास्ते पे लोग भी हैं, अस्पताल है, स्कूल है, पुराने लोग क्रॉस करते हैं, बच्चे क्रॉस करते हैं, हमारा पुलिस फोर्स काम कर रहा है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, अपना कोई फर्ज बनता ही नहीं क्या, क्या रे अपना नहीं बनता है, बनता है फिर तो ये सब अपने बच्चे लोग जो आए तुम लोग का गेम है, ये जो आया था मैं ऊपर देखने को उधर पूरा अच्छा क्राउड है, अपने घर पे बोलने का वहाँ है और हॉर्न मारेगा तो सेठ लोग को बोलना फाइन करो, कोई अंदर बैठा फाइन करो, कैमरा लगा, मैं तो सुनता हर गाड़ी के आगे एक अच्छा विजिलेंस कैमरा रहना चाहिए, एक दूसरे पे नजर रखो बस, बाकी खत्म हो गया है, आज बोल के जा रहे हो बोल बच्चन, कल तुम लोग भूल जाएंगे अपने अपने लफड़े, बहुत काम रील शो रील दुनिया भर के लफड़े सामने घुसे हुए, उसमें पढ़ाई उसमें कमाई उसमें मेडिकल उसमें दुनियादारी, पहले तो ये ट्रैफिक का जो आज बात बड़ा बात करने आया था, तुम लोग क्या अपना छोटे लोग सब बराबर डंडा हाथ में तुम लोग का रखो, तुम्हारी आगे तुम्हारी कंट्री, हम लोग के लिए हम लोग है अभी, मगर ये देखे जा रहे तुम लोग को पानी में जहर, हवा में हॉर्न 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 बोमा बोम, अच्छे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, सब समझदार है, और राइट पकड़ के ट्रैफिक ट्रक वाले को तो पहले तो ट्रैफिक समझाओ, मेरे को लगता है कि वो रखो अपने गाड़ी के अंदर हाईवे पे, बॉस लोग जो हाईवे ज्यादा हाईवे बनाते ना तरह से विजिलेंट है, वहां राइट साइड ट्रक राइट साइड सेंटर अनिल लेफ्ट कुटुंब जाए, वो इधर भी बहुत लफड़ा दादा, और स्कूटर का इतना डेसिबल है ना वो उसका, मैं सुना हूँ किसी दिमाग मेरे को मार के भागा हम लोग, मगर स्कूटर का बहुत बहुत भयंकर है, एक तो ओपन है गाड़ी का अंदर रहता है, इनको ओपन दे दिया और इतना डेसिबल दे दिया है कि व्हाट द हेल यार, अपना नहीं तो अपना ट्रैफिक वालों का, अपने ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोचो, उनको देखो कि भाई जो मैं हॉर्न मार रहा हूँ उनको भी इफेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, हम तो गाड़ी के अंदर बैठ गए इसी में शाम को दिखा के निकल जाता है या बस में बैठ गए, पर रास्ते पे संभालने वाला उनको तो संभालो, है ना मैडम, मैं ज्यादा पापाऊंगा नहीं, इतना ही बोलूंगा, रास्ता वाला बोला गया इतना है, पर जितना समझ गया बहुत अच्छा, नहीं समझ आता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ डालेंगे तो सबका अपना खोपड़ी है अपना, सब लोग अपना अपना सोचते हैं, सोचो मेरे को बुलाया तो मेरे को जितना मालूम है वही बोलता है, बाकी आप लोग के ऊपर है आगे लेके जाने का बेटा, एक निकल रहा था बाजू में से अपना कांच लेके जा रहा था स्कूटर करके, बोला जरा संभालना नाजुक है, बोला उसका खोपड़ी वो हेलमेट जो उसका खोपड़ी उससे नाजुक है, तुम लोग का दिल उससे ज्यादा नाजुक है, फूट गया तो बोलो ना कांच का तो वापिस से लेके आएंगे, समझा ना भैया, ताली मार के कान से मत निकाल देना बेटा, बिना ताली मारे कान के बीच में गड्ढा है उधर बीच में जाकर रख देना दिमाग में हिंदू वगैरह तो, और हॉर्न क्या भगवान के लिए यार, अस्पताल बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं क्या लगाइए, और उधर ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक क्योंकि बच्चों को लेने गाड़ियां आती हैं बसें होती हैं ट्रैफिक जाम होता है, अपने को पहला अपने को सोचना चाहिए, हर एरिया के लड़के लोगों को ट्रैफिक के लिए हेल्प करना चाहिए, ये तो लगता है
कभी ऐसा ना हो कुछ और हो जाता था तो उस वक्त डार्क हो जाता था और साइलेंट बजती थी, अंधेरा हो जाता था, तो हमारी कॉलोनी के लड़के निकलते थे लाइटें बंद करके। तो वैसे लाइटें नहीं, वैसे हॉर्न वॉर्न बजाएगा तो बेटा निकलना फोटो उसका और दे सीधा। और जितने भी बाबा लोग हैं जिनके पास नसीबे ड्राइवर भी है उनको समझा देना चाहिए और उनको उनका सैलरी में से पैसा काटते देना चाहिए जितना हमारे जब उनकी अक्कल आएंगे जब घर में बाइक को लाख बनेगी। एनीवे बाबा लोग आए बड़े, आप लोग सब बोलने वाले, आप बोलो मेरे को अगर कुछ पूछने का, आप लोग में कोई बच्चे लोग को कोई क्वेश्चन पूछने का तो पूछना। हाँ बोल बेटा बोल बोल वहीं से बोल 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 समझिए। मैं तो कोई खुमसा भी वाहन में ट्रेवल कर, हॉर्न नहीं मार। दे रहे अभी पूरा मोनोरेल ट्यूब ट्रेन दुनिया भर की चीजें आ रही बेटा, आए रोडें बन रही है, ट्रांसपोर्ट बनेगा, वक्त दो। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े हम सब यूनिफॉर्म में बैठे सब ट्राई करते हैं कि कोई एक सर्विलेंस आए। एक 15 लाख की बस्ती को आज 2 करोड़ की बस्ती बना दिया है मुंबई सिटी को, समझा ना बिड़ू। और फैसिलिटी तो वही है, अपन बढ़ा रहे कर रहे कोशिश कर रहे हैं, अपना भी तो फर्ज बनता है डालेंगे। ठीक है ट्रैवल करने वाले ट्रैवल करते, जिसको गाड़ी का शौक है 2-2 घंटा ट्रैफिक में बैठने का मजा आता है बैठो। अच्छा तो सही बोल रहे बेटा कि सबको कोशिश करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चाहिए, जैसा शेयर सिस्टम है एक टैक्सी के अंदर चार्ज है। मैं समझ गया बेटा थॉट बहुत सही है बच्चा, मगर कर रहे आहिस्ता आहिस्ता कर रहे, सब कोशिश कर रहे। आई थिंक वी शुड बी द पायनियर, यू शुड बी द पायनियर, यू शुड टॉक अबाउट इट। जैसे मेरे को एम्बुलेंस का वो दिया क्योंकि वो हमेशा गाड़ी ट्रैफिक में रहता है, मेरे को एम्बुलेंस का आवाज़ आजू बाजू रहता ही है। नहीं किसी ने ऐसा होगा अपने मुंबई में कि एम्बुलेंस अपने पीछे फंसा हुआ जाया देखा होगा, कभी ऐसा ना हो गया फोन हो जाए अपनी वो सोच के चल लगा बेटा मार पत्नी गरीब पकड़ो जाने दे, नहीं तो नीचे उतर के आगे जाके सिग्नल वाले को मालूम नहीं हो तो उसको बोलो भाई एम्बुलेंस आ रहे जाने दो, कोई शर्माने का नहीं, गाड़ी में बैठ के सब ये देखते कौन निकलेगा बाहर। थोड़ा हेल्प करना चाहिए अपने को भी डाले, है ना। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मला विचारा मी इथंच आहे, तुम्ही सांगते मी जाऊन बसतो। दादा बोलणार तुम्ही, कोणी बोलणार इकडे, मुलांना काय बोलायचं आहे, इकडे येऊन बोलायचं आहे, बोलायला काय, तुमचा काय अभ्यास आहे, बोला। सर, अबाउट ट्रॅफिक अँड ऍक्सिडेंट्स, सो व्हॉट अबाउट द पॉट होल्स? क्या बोल रहे ना, ये खड्डे का इन लोग लेके बहुत गेम खेल रहे हैं आजकल, खड्डा बहुत है तो अपने वो खड्डा में मेरे को लगता है वो जैसे बीच में आया था जो जो रोड बनाते हैं उसका नाम पे रोड बना देने का। मैं अगर बनाया आज का रोड समझ, मैंने बैंड्रा का रोड बनाया तो मेरा नाम जैकी श्रॉफ कॉन्ट्रैक्टर। बोलो बना, यू वॉन्ट समवन टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, कि भाई ऐसे खड्डे के अंदर स्कूटर का एक्सीडेंट बहुत होता है, मेरा भी हुआ था, मेरे 2 दांत तोड़ गए थे ऊपर मेरा दांत। तो खड्डे का मैं तो बोलते रहता, प्रचार तो करते रहता बेटा। क्या होता है कि अपने यहाँ पानी अपन आईलैंड सिटी, अपने को बराबर सब लोग अभी बना रहे, इधर हाईवे वाले हैं जो बराबर दिमाग से काम, जैसे एक्सप्रेस हाईवे है अपना ऊपर का मुंबई पुणे का हाईवे बेटा, वैसे रोड बनाने के प्रयत्न वैसा प्रयत्न चल रहा है। दादा बोलो बनना रोड सर, अन देगा मिलेगा बिलू, इतना मिल रहा है मिल रहा है, मगर ये पॉइंट याद रखना जो एक बच्चे ने आज बोला है कि भाई पॉटहोल का मैं क्या करूं, आराम से चलाओ पहले तो फिर के चलाओ, अगर है तो उठाओ वहां से मिट्टी और भरो, उधर रुक जाओ, उधर लाइन लगा, उधर रख देना अपना हेलमेट रख देना जोगा, और बेटा माटी उठाना, अगर मिली वहां पे माटी नहीं मिली तो उसको मार्क कर, उसको फोटो मार और भेजना, अपना सेल है ना ट्यूब का और पुलिस का सेल, बोला दादा यहाँ साइड में जरा डेंजर मला वाटते रात्री माणसं आला की टेन्शन होणार, सांगायचं कुठे काय दिसतं ते बोलायचं, कोणाला ब्लेम नाही करायचं, आपला हा जगन्नाथ बरोबर ना, तुला जर वाटेल
सारखी दोन चार माणसं निर्माण व्हा बघा. बोल बाळ. बरोबर आहे बाबा. इसके लिए अपने को घर से ना अपनी बैठ 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 बस. उसके लिए ना अपने घर से जैसा आई बाबा अस्त भाव अस्त मुठा ते बोलते हैं तैसा बिहेवियर का है, सिविक सेंस का है, बीइंग अ गुड सिटीजन का है. मी तुला सांगितलं पेट्रियॉटिझम काय. वी हॅव टू बी कन्सर्न अबाउट आवर फेलो ह्युमन. सबको समान. तो जो बाहर निकलते थे जाना खाए तो सबको मरने का सबको है सबको खाइए क्या कब्रस्तान जाने का या शमशान जाने का. आराम से जाओ ना. सर्वांना जायचे असं नाही कोणी हिंडतो नाही जाणार रे बिंदास जाओ. मगर अपने पहले तो लंबा सांस लो. अपन स्कूल में ना पहला स्कूल में जाने के साथ में पुस्तक खोल के बैठने जाने का लंबा सांस लेगा कछुए की तरह लंबा कुतरा सा साथ बनाइए सर. ये बोल ना कुछ अलग वो अच्छे लोग मैं बहुत पालता हूँ. रास्ते से जितना मिलता मैं लेके आके अपने यार रख दिए. तो उन लोग का ना वो जल्दी जाते हैं 17 साल में सांस उन लोग खत्म कर देते हैं. लंबा सांस कोशिश कर ताकि दिमाग शांत तो रास्ते भी शांत. भेजे में ऑक्सीजन ही नहीं है नाक से सांस लेने का टाइम भी नहीं है. कोई बोल रहा है तो पहला मैं रुक नहीं आगे देखो मालूम है क्या मालूम है टाइम नहीं आता है क्या है तो बता दीजिए. आए आए बाबा सर आए क्या इस सरकार में तो अरे नंतर बोले सर दादा मैं रास्ता बोलते क्या ठीक है मेरे को खुला देना मेरे को नहीं मालूम है कभी भागने का. मैं कभी भी जा सकता मैं सीधा फार्म से आया अभी खेती बाड़ी करके घर में जाके बच्चों को छिटकूंगा फिर जाऊंगा. मैं आया क्योंकि मेरे बच्चे लोग मेरे से बात कर रहे हैं. बाकी किसी को बात करने का तो कर सकते हैं बच्चे. हाँ बोल बोल बेटा मेरा बिंदा सुन दादा असू मैं बोलूंगा अरे टाइगर दादा नहीं मैं बैठ के बोलूंगी तेरे को कुछ दादा मैं बोलूंगा कुछ पूछ रहा है. आप लोग को अगर किसको निकलने का तो निकल सकता है कोई जरूरी नहीं है बैठ के सुनने का. अपने 1 बजे सीएम साहब आएंगे आराम से उनका काम है 10 काम है सब लोगों को काम है. इतने बड़े बड़े लोग इतने मंच पे आके बैठे हैं उसका मतलब ये है कि कंसर्न है क्योंकि इनको फिक्र है कि ये सब करो क्योंकि सबके बच्चे हैं. दादा लोग बैठे आएंगे अभी अपना अपना काम शुरू ट्रैफिक से है ना. तो अपने को ये बोलने की जरूरत नहीं. बेटा लंबा बोल 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 लंबा बोल जब तक ये आता नहीं बोल. मैं आया था इकड़े माला बोला इकड़े का बस सुनो दादा स्टेज पर रास्ते हाल चले मुलांना ऐकायचंय मुलांना ऐकायचंय तर मी तो मी बोलतो तुला काय विचारायचंय बोल लंबो बोल. एक सेकंड बोल रे हाँ पार्किंग का बहुत दफड़ा है बराबर. मैं मेरे को भी मालूम पड़ता है जब मैं गली पकड़ता है तो रोड के ऊपर ही पार्किंग रोड पे ही आदमी पण त्यांचे बोलायचं ना पोलीस स्टेशनला
एडजस्ट करते ना। हाँ जबरदस्त। अभी इधर बैठे रहे बाबा लोग, आप लोग जितना बोलेगा वो नोट करेगा। मुझे बोलते हैं बार कि आई कुछ अनिल के नोट करते हैं तेरे तरह फॉलो करना है, नहीं करना तो तू बोल ना, परत बोल दादा ने बोल रहा तो दादा ने बोल रहा तो ऐसा करा से होता नहीं तो तू करना, तू करना समझे पार करते इकड़े कहाँ पार करते थे हमें कुछ सांगना बोलो करे सोता सोता करे सर माला कैसा बस रहा था एक तो जो सदस्य में बस लोग देंगे अपन अकेला छे डालेंगे। याद रखना जो अपने दिल में आता है तेरे को लगता है जैसे खड्डा भरने का तो खड्डा भर, वेट मत कर, है ना। वैसे तेरे को ट्रैफिक दोनों तरफ रोड दिख गया और जाने को जगह नहीं, पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई है, बेटा कंप्लेन कर, बाबा लोग है ना, तेरे को क्या लगता है कि यूनिफॉर्म में क्या दाम दे गे रे, बता भैया खाली बोलने वाला होना चाहिए, 10,000 कमाए पड़ तुला दिसल की तू सांग करना ते करना और कितना पूछेगा। जोराने बोल सर, इथे ट्रॅफिक लाईट असतात इथे झेब्रा क्रॉसिंग असते, शाबाश, पण खूप जागी झेब्रा क्रॉसिंग चे जे पेंट असतात ते निघून जातात, लाव जरा पेंट करतो का तसं करायचं ना, मी समजतच आहे, सॉरी सॉरी ए सॉरी सॉरी लपू बोल असं नाही, मी काय जोक नाही मारतो असं मला बाहेर आलं काय पण बाळ झेब्रा क्रॉसिंग नाही दिसलं तुला, तुला दिसतं नाही इतकं पण नाही दिसलं संपूर्ण संपूर्ण झालं तर ते फोन करून सांगायचं झेब्रा क्रॉसिंग केलाय का दादा आणि आम्हाला फाईन करते, आम्हाला माहीत नाही पडते कुठे थांबायचं, पण ते तू बोललं ते माहीत पडणार ना, पण मला नाही मला असं दिसलं की माझी शब्द बोलणार मी अपने को लोकाने का सिग्नल से थोड़ा पहले ये समझ लेने के कि बच्चे किसको क्रॉस करने का है, अपना आई बाबा भी लोग जाते हैं ना बच्चे लोग जाते हैं स्कूल से ते दिसते हैं ना तर्सावर लाइन जिब्रा क्रॉसिंग दिसना नहीं म्हणजे आम्ही अंधा है आम्हाला नहीं दिसत ना इथे होता तो कुठे माहित नाही, पण तुझं बरोबर आहे असं दिसलं की फोटो पाड आणि पेंट करते मी तो पण माझ्या पेंट करू तेरे सर आहे ना माय ना हाँ जाके शिवा फिर जीमेल पाठव बोल ना। बेटा वो मतलब इट्स ऑफेंस इतना बड़ा है उसका कि मर्डर ऑफेंस है अगर देखा जाए तो
नियरली मर्डर होता है कि वो पी के चलाता है उसको पी रहा है और बोला नहीं नहीं और जो पी के चला रहा है उसके बाजू में नहीं पी रहा उसको भी ऑफेंस है वो उसका को कॉन्स्पिरेसी है समझो ना बेटा ये नहीं बोलना ना अरे वो तो वो पी रहा था मैं थोड़ी पी रहा था उसके हाथ में तुमने वो बंदूक दे दिया दारू पीने के बाद वो किधर भी घुसा देगा वो किसको कुछ होगा तो बाजू वाला भी गया ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ बोलो सर सर हाँ दादा बोलो बोल रहे वो भाई साहब एक सेकंड भाई जान कुछ बोल रहे सीसीटीवी स्कूल बस जब चलती है सब लेवल पे लेटर लिखा कोई जवाब नहीं आता है और है ना तो बच्चों को या तो उठाए या बसें बंद कर दे ये जवाब हमको चाहिए दादा नोट करो दोस्तों साहब नोट करो साहब ये बोलते थे आई कैन सर वी हैव टू इंप्रूव दैट नहीं नहीं वी हैव टू इंप्रूव दैट व्हाट ही सेइंग इज स्टेटिंग अ थिंग तो करेंगे ना और अपन लिख के रखोगे करना दादा साहब पहले तो देखो नहीं नहीं सही बात है आप लोगों का स्कूल का टाइमिंग आपका जो एरिया पर नहीं स्कूल बस वाले को पहले अपने लाना क्योंकि एक साथ में बारह बस लग जाता है तो 12 बस लग जाते हैं तो आप लोग का भी ड्यूटी है कि आजू बाजू के ट्रैफिक का बैंड नहीं बढ़ जाए बराबर ना तो अपने को भी समझना चाहिए खुद खाली नहीं बोलना चाहिए अपने को भी समझना चाहिए और बस वाले को भी समझाना चाहिए बाबा कि ये हमारा स्कूल है हम लोग पढ़ा रहे अच्छा काम है पर रुका नहीं करे सब पैसे ले रहे तो फ्री में कोई कर नहीं रहा ना दादा दोनों तरफ का दो तरफा है दादा हाँ मैं भी दो तरफ की बात करूँगा भाई अकेला मेरे पेपर को लेना देना नहीं पैसे का मगर ये आपका थॉट बहुत सही है पर त्यांना पण सांगायचं की तुम्ही बरोबर व्यवस्थित लाईनात लावा और इनको भी बताने ना की ये प्रॉब्लेम है इसको सॉल्व करो आप लोग को मिलके करो नहीं है तो पहुंच जाएंगे साथ में अपर में हाँ जिधर से उठा रहे आप बोलो ना दादी कि आपके बच्चे किधर किधर इनको कैसे मालूम होगा हाँ इनको तो नहीं मालूम होगा ना दादा कि कौन से स्कूल में आपका बस जाता है मेरे साथ बैठ जाओ ना वो गया है ना बस वाला बार बराबर मैं कुछ नहीं कर सकता मैं तो मैं आपकी तरह सिटीजन नहीं हूँ ना मगर बाबा लोग को आप बोल रहे कि करो तो रिक्वेस्ट वापिस से करते नहीं पहुँचाऊंगा उनका लेटर आप लोग लेके जाएंगे ना दादा पूरा ब्लू प्रिंट के साथ देना कि यहाँ से मेरे बच्चे उठ रहे हैं यहाँ उठ रहे हैं यहाँ कैमरा है ये दादा पक गया यहाँ तो पण पॉइंट आहेत ना एक ते बोलायला लागेल ना आणि त्याला इम्प्लिमेंट करायला लागेल त्यासाठी बोलतोय मला आणखी मेरे को आपण कभी भी निकाल सकता है जिसको जाने का जा सकता है देखो मैं ट्राई करूंगा मेरे को जितना मेरे में दम है और जितना मैं जिंदा हूं तैयार है आता तय बोलना जय जय महाराष्ट्र आणि माझा लव टू एवरीबॉडी ट्रैफिक वाले भी उनकी बात कर के हम लोग को फोटो मारते हैं प्लीज हमारे बारे में ध्यान